कर रहे हैं आपकी प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 18 और ऐसे दो चार क्वेश्चन हैं और कहना चाहिए गुरुत्व श्रेणी के बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दी गई श्रेणी 888, 888 क्लियर दिख रहा है कि गुरुत्व श्रेणी नहीं है। कैसे चलेगा पता गुरुत्व श्रेणी नहीं, बहुत ईजी है। 88/8 11 आएगा, जबकि 888/88 111/11 आएगा, कहीं से कहीं तक ये दोनों बराबर, तो ये गुरुत्व श्रेणी है ही नहीं। हम इसका योग कैसे निकाल लें, 888, 888, 666, 666, 555, 555, जितने भी सवाल आएंगे वो सब गुरुत्व श्रेणी। तो यहाँ पे बस गेम इतना है, क्यों ये इतना सवाल फेमस है कि गुरुत्व श्रेणी है नहीं, लोग सोचते गुरुत्व श्रेणी सूत्र लगा के आ जाते। पहले अपन को गुरुत्व श्रेणी बनाना पड़ेगा, लेकिन कैसे देखो इसके लिए हम इसमें से 8 क्या ले रहे हैं, कॉमन, 111, 111 क्या अब ये अंदर वाली गुरुत्व श्रेणी बन गई, कहां से बन गई, 111/111, 111/111 कटेंगे नहीं, नहीं है गुरुत्व श्रेणी। अब आपको क्या करना है कि बाहर 9 का भाग कर देना है और अंदर 9 का गुणा, ये प्रोसीजर हर बार सेम रहेगी, याद रखते समझ है, किसी सवाल में ये प्रोसीजर चेंज नहीं होगी। अब क्या ये गुरुत्व श्रेणी बन गई बताइए, 99/9 वही 11, 99/9 वही 111/1, ऐसे गुणा भाग करने थोड़ी बनती। अब आती है मेन स्टेप, 9 को लिख लो 10-1, 99 को लिख लो 100-1, 999 को लिख लो 1000-1, डैश 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 एन पदों तक, कोई दिक्कत आदित्य? अब आदित्य तुम्हें ध्यान देना है बेटा, ये 10 इसके बाद माइनस एक नहीं लिख रहा है, सीधा लिख रहा है 100, फिर लिख रहा है 1000 एन पदों तक। और सर जी एक कैसे छोड़ रहा है आपने, बिल्कुल नहीं छोड़े भैया, प्रिंसी माइनस एक और माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छह, एन पदों तक माइनस एन, नहीं आया समझ में, ये थी मास टेस्ट, समझ में आई कि नहीं आई। अब 10, 10 धाम 100, 100 धाम 1000, क्या बन गई गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर एक से क्या है बड़ा और यहाँ आर क्या है 10। तो यहाँ पे बस आपका सवाल हो चुका है, 8/9, 10 ए का मान कितना है 10, आर का मान भी कितना है 10/10 माइनस एक माइनस एन। किसी को समझ में आया बच्चों, नहीं आया बेटा, 8/9 गुणा कर लो, आठ धाम 10 में से एक गए 9, ही नाम 81, 10^n-1, समझ में आई स्टेप, और ये 8n/9 कृपया अगर आंसर मिला लीजिए और मुझे बताइए कि सही आया है कि नहीं, साथ ही साथ कोई समझ आया है कि नहीं आया, सरल है कि एक्सट्रीमली सरल है। दोस्तों अब हम कर रहे हैं श्रुति विविध प्रश्नावली का 21वें का पहला, वैसे तो एक क्वेश्चन करा दिया पर अभी आप कुछ लोग लेट आए हैं तो बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये 555, 555 इस श्रेणी की खुशबू अपन को एन पदों का योग निकालना है, ठीक है श्रुति ध्यान जरूर देना। सबसे पहले आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी नहीं, क्यों, 55/5 कितना आएगा 11, 55/5 कितना आएगा, और 555/55 111/11 ये थोड़ी कट जाएंगे, तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए मैंने आप लिखा दी गई श्रेणी, ना कि मैंने ये लिखा दी गई गुणोत्तर। अब कैसे सॉल्व करते हैं, इन सवालों का सिंपल एक फंडा होता है, सबसे पहले आप इसमें से 5 क्या ले लीजिए, 111/111 कितने पदों तक एन, आकांक्षा क्या 5 लेने से, 5 कॉमन लेने से गुणोत्तर श्रेणी बन गई, क्यों 111/111 कोई फायदा नहीं। इसके बाद श्रुति बाहर 9 का भाग देना है और अंदर 9 का गुणा कर, क्या अब ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, बताओ कांक्षा बन गई गुणोत्तर श्रेणी, नहीं बनी। अब 9 को लिख लो खुशबू 10-1, 99/100-1, 999 को भूलना पड़ेगा 1000-1 एन पदों तक। अब देखो आप मेन स्टेप ये है, 10
उसके बाद लिखो 100, उसके बाद लिखो 1000, कितने पदों तक? एन पदों तक। लेकिन अब ये माइनस वन छोड़ तो नहीं सकते। अब आप देखिए, माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू, फिर माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, एन पद हैं तो माइनस एन। समझ में आया? अब बेटा 10, 100, 1000 क्या बन गई? गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर। यहाँ पे ए क्या है आकांक्षा, बताओ जरा, 10, और आर क्या है? 100/10, 10, ए भी 10 है और आर भी। 10 की घात एन माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन माइनस एन। समझ आया आकांक्षा? 10/9, 10/10 की घात एन माइनस वन माइनस एन। वैसे तो आंसर यही है, पर बुक्स में ऐसा गुणा करते हैं, 5 दाम 50, 9 इनाम, 10 की घात एन माइनस वन और 5n/9। समझ में आया बच्चों? ऐसे ही बच्चों को करके दिखाना है एग्जाम्पल नंबर, आदित्य एग्जाम्पल नंबर 15। इसके पहले आप वो करें, फिर मैं आपको 21 का 2 भी कराऊंगा। कर लीजिए, ये भी कुछ खास सवाल नहीं है, पर अच्छा है कि एक सवाल ऐसा भी है अपने पास जो आपको थोड़ी सीख देगा। इसमें आर का मान 1 से कम रहेगा। रिया, ये बेहद प्रश्नवाली का 21 का 2 भी, पहला किया अपन ने, 0.6 को रिया अपन लिख लेंगे 6/10, यकीन मानो ये उन सबसे सरल निकलेगा, 66/100, 666/1000, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 6 क्या ले लेंगे? कॉमन। आप चाहें तो 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत, 1/10, 1/100, एक काम कर रहा, 10 ही कॉमन ले ही लेते, ले लेंगे, रहन दे, पता रहन तो दो, 6 कॉमन, 1/10, 11/10, 111/100, 1000, एन पदों तक। अब बच्चों 9 का भाग 9 का गुणा क्या हुआ है? मांश नहीं बन रहा, 99/100, 999/1000, एन पदों तक। ये 6/9 आप चाहें तो काट सकते हैं, काटना कोई ज़रूरी नहीं है, पर अब कट रहा है, दिख ही रहा है, तो अपन इसको लिख देते हैं 2/3। यहाँ देखिए 1 - 1/10, बोलो हाँ कि ना? नहीं। 1 - 1/100, 1 - 1/1000, एन पदों तक। एक और एक, 3 और 1, 4 कितना आएगा? एन माइनस 1/10, 1/100, 1/1000। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है? नहीं है। इसका प्रथम पद है 1/10, 10 नहीं तो क्या कर सकते, और सार्वानुपात भी है 1/10 में 1/10 गुणा करो तो 1/100, फिर 1/10 का गुणा करो तो 1/1000। तो यहां पे ए 1 - r^2, क्यों? r इस बार 1 से क्या है? छोटा है, तो 2/3 एन माइनस 1/10। थक गए दिवंश, ये देखिए, काफी लोगों को लगा फिर गलत ना हो जाए, सही है बेटा, 1 - r^2, 1 - 1/10। चलिए तो आदित्य भैया यहाँ पे अपन थोड़ा सा, नहीं एक मिनट रुक जाइए, सही है बेटा, और ये बड़ा कोष्टक। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो इसलिए अपन आराम से कर रहे हैं, गलत क्यों करना है ना। कितना आ गया बेटा? 1/10, और यहाँ बोलना पड़ेगा यार थोड़ा बेटा, जगह से नहीं बची, एन माइनस, ये हो गए 9/10, ये हो गए 1/10, बा बुलंद आवाज रहो तुम लोग, है ना। अब देखो 1 पे भी n की पावर और 10 पे भी n की पावर, 10 से 10 क्या हो गए? चलिए यहाँ देखिए, अब 2/3 एन माइनस 1/9, 1 - 1/10, अब 1 पे कितने ही पावर चढ़ाओ, 1 ही आता है, तो 1/10, बस आखिरी स्टेप 2n/3 और 2/9 = 27। कृपया कर आंसर मिला लें, सही आ गया कि नहीं आ गया? दिखने में बस थोड़ा अजीब लगता है, बहुत ही सरल,
देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़, लेकिन किसका जोड़? देखिए के का मान एक से रखना चालू करना हो कहाँ तक रखना है? 11 तक। इसमें फिर उन सबका क्या निकालना है? जोड़। देखिए 2 + 3 to the power 1, 2 + 3 to the power 2, 2 + 3 to the power 3, डैश 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 2 + 3 to the power 11। ये सब रख दिए और सिग्मा मतलब इन सबको जोड़। समझ में आया क्या? नहीं आया? कठिन लग रहा है? कुछ भी देख नहीं रही। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, कितनी बार होगा ये? 11। 2 गुणित गए 11। नहीं आया समझ? आयत तो को नहीं आया। ये सब एक एक एन बार था तो 1 गुणित गए n आ गया था, वैसे 2 गुणित गए 11। अब ये बचते हैं 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 11। तो बेटा ये तो हो गया तुम्हारा 22, और ये क्या बन गई? गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होता है a r to the power n-1। यहाँ a क्या है और r क्या है? 3 ही। सवाल एक से कर रहा है अपन, 3 to the power n-1 upon n ही रहेगा। क्यों? समझ में आया बेटा? 22, 3/2, 3 की घात 11 - 1, यही आपका उत्तर है। 3 की घात 11 निकालना आपके बस की बात नहीं है। अब हम कर रहे हैं द्विवेद प्रश्न का 7वां क्वेश्चन। इसमें ये सब भूल जाओ, इसमें इन्हें दिया है कि x बराबर x ले कहां तक रखना है, जहां x y जो है वो प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3 रखना है, और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 120। आपकी जानकारी के लिए पहले अपन x बराबर क्या रखेंगे? 1, तो आएगा f1, फिर 2 रखोगे तो आएगा f2। थक गए प्रिंसी? फिर क्या रखेंगे? 3। 1 से रखना चालू करना है, कहाँ तक रखना है? n तक, fn। और इन सब का योग खुशबू क्या है? और आपको काय का मान बताना है? n का। बता लोगे? कैसे बताओगे सर? कोई श्रेणी तो बन नहीं रही। कोई बात नहीं, वापस आइए। अब यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं कि f1 का मान क्या है? 3। चलो f1 का तो मान है कम से कम, लेकिन f2 f3 का दिया नहीं, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा दिमाग। इन्होंने एक समीकरण दिया है fx + y = fx (f)y। x = 1 y = 1 रखने पर, कुछ भी रख सकते खुशबू बेटा, पर अपन 1 रख रहे, रखो 1 + 1 f1 × f1। मैंने 1 रखा है y का मूल, कोई दिक्कत है क्या खुशबू बेटा? f1 का मान 3, 3 × 9। नेक्स्ट अपन x = 2 y = 1 रखने पर, खुशबू बेटा 2 + 1 बोलते जाओ f2 × f1। कल बोलोगे बेटा 9 × 3 = 27। नेक्स्ट बोलो गौरव 3 y = 1 रखने पर f3 + 1। बेटा आप ये समझे f2 + 1 में क्या हुआ? f3 = 27। f3 + 1 f3 × f1 27 × 3 81। ये काय का मान हो गया? f4 का। अब ध्यान से देखो f1 का मान कितना है, f2 का मान कितना है, फिर अगला बताओ। देखो 27 + 1 n पदों तक क्या बन गई? गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग होता है a r to the power n-1 upon 3 to the power n-1 upon 3 - 1 = 120। 3/2, 3 की घात n-1 = 120, 3 की घात n-1 = 120। 2/3, 2 ऊपर पहुंच गया, 3 नीचे आ गया, 40 × 2 = 80। 3 to the power n = 81। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 n = 4। बहुत हार्ड। चलिए बच्चों अब हम कर रहे हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें एक श्रेणी दी है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की घात 4। प्रथम पद क्या आएगा? नहीं है इसका 3।
सार्वानुपात निकालें तो ए टू अपॉन ए वन, तीन का स्क्वायर बटे तीन मतलब तीन, सही है। ठीक है, ए और आ लगा बराबर ही आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कितने पदों का योग क्या है 120, तो माना एन पदों का योग बराबर 120, कोई दिक्कत? थक गए हैं। ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन बराबर, ए का मान तीन, आर टू दी पावर एन माइनस वन थ्री माइनस वन बराबर 120, थ्री आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन टू बराबर 120, आर टू दी पावर एन माइनस वन बराबर 120, गुणित का दो बटे तीन, अरे थ्री टू दी पावर एन बराबर 81, आर का मान रख दिया है, थ्री टू दी पावर थ्री टू पावर फोर, समझ गए। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13, एक क्वेश्चन नंबर 13 और अब कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें भी एक श्रेणी दी है तीन, तीन बटे दो, तीन बटे चार, प्रिंसिपल बेटा प्रथम पद तीन, सार्वानुपात तीन बटे दो बटे तीन, तीन से तीन क्या हो गए, सार्वानुपात आ गया एक बटे दो। पूछा है कितने पदों का योग 3069 बटे 512 होगा, तो हमने लिख लिया माना एन पदों का योग 3069 बटे 5। अब आप बताइए सूत्र कौन सा लगेगा, हाँ एसएन वाला ही लगेगा क्योंकि आर एक से छोटा है, 3069 बटे 512, ए का मान देख लीजिए तीन, वन माइनस वन बाई टू, जैसा कि आप जानते हैं आर का मान तो मैं अभी रखूंगा नहीं, 3069 बटे 512 सही है, तीन एक बटे दो वन माइनस आर टू द पावर एन, 3069 बटे 512, दो तीन छः, वन माइनस आर टू द पावर एन, कोई दिक्कत तो नहीं, छः कहाँ आ जाएगा बटे में, 3069 512 गुणित गए छः, काटो बेटा तीन से काट लो, तीन नाम तीस, तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, और ये बचे कितने दो, ठीक है, दो दूनी चार, दो एक कम दो, दो पंचे दस, वन माइनस आर टू दी पावर एन, अरे बहुत ही सरल सवाल है, ले आओ इसको इस तरफ, 1023 1024 बराबर आर टू दी पावर एक बटे 1024, घटा के दिखाएंगे, वन बाई टू टू दी पावर एन, वन बाई टू टू दी पावर टेन, बहुत ही मुश्किल है किसी को ये समझ में आया हो, आपको क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 19वां, ठीक है, 903 का 19वां, दो अनुक्रम है, एक 2 4 8 6 16 32, इसमें पांच पद हैं, एक और अनुक्रम है 128 32 8 2 1/2, इन दोनों अनुक्रम गुणनफल से जो अनुक्रम बनेगा उसके हमें निकालना है क्या योग, मेरे भाई आदित्य 128 दूनी 256, देखिए 2 128 4 32 8 8 16 2 32 1, ये हो गया 256, 128 64 32, अब मन में तो आता है कि पांच ही दो पद हैं, जोड़ तो दो यार है ना, नहीं आता है काय को चक्कर पड़ रहा है, पर फिर भी यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 256, आर बराबर ए टू बटे ए वन, 128 बटे 256, 1/2 छोटा है एक से, अब हम लिखेंगे एन पदों का योग, कौन बताएगा एन पदों का योग, एन पदों का योग ए वन माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर, लेकिन हमें निकालना है पांच पदों का योग, तो ए वन माइनस आर टू दी पावर फाइव अपॉन वन माइनस आर, खुशबू बेटा ए का मान अभी लिख ले रहे हैं अपन, पहले आप आर का बताइए, टू टू दी पावर फाइव सही है, वन माइनस वन बाई टू कितना आ गया बेटा, एक माइनस एक बटे 32, 1/2 घटा लो, 31/32 1/2 कट गए, ए गुणित गए 31/16 सही है, अब रख दो ए का मान 16 ही 16 बेसरम
सोलह एकम सोलह की छह हाथ में आई, एक सोलह थी अड़तालीस और एक उनचास। कृपया कर उत्तर मिला ले। मन में आता है कि जोड़ ही दिलो, पांच तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15 की प्रश्नावली का, श्रुति इसमें ए दिया है 729 और सातवां पद दिया है 64। सातवें पद का सूत्र होता है ए आर की घात 6 बराबर 64। आर की घात 6 बराबर 64 बटे ए, 64 बटे 729 आर की घात 6। अब दिल थाम के बैठिए, ये है 2/3 की घात 6, 2 की घात 6 64 और 3 की घात 6 729। लीजिए बच्चों, आर का मान आ गया 2/3 जो कि 1 से छोटा है। निकालना क्या है खुशबू? पहले आप मुझे बताइए n पदों का योग का सूत्र। a 1 - r^n अपॉन, चलिए अब हमें निकालना है सात पदों का योग s7। a 1 - r^7 अपॉन 1 - r। खुशबू बेटा a का मान लास्ट में रखेंगे, ओके। 3/2 - 7 सॉरी मेरी गलती है, 2/3। ये आपको 7 सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? अभी किया ना अपन ने, बोलो बेटा किया कि नहीं किया? 1/3 6 किया ना, तो घबराने की जरूरत है, वो भी हो जाएगा। बताओ एक और बढ़ा दो, 128 और 729 का 3 × 27 की 7 हाथ में आई, 2 × 3 = 6 और 2 = 8 21 87। घबराया नहीं करो जिंदगी में इतनी। खुशबू बेटा एक का मान बता दीजिए कितना है? 729। यहाँ आ जाएगा 2187 - 128 / 2187 और ये 1/3। सबसे पहले आपको बता दूँ ये कट जाएंगे कितनी बार? 3 बार, 3 ही ज़्यादा है। और फिर ये 3 से 3 में क्या हो जाएगा? कैंसिल। किसी को नहीं आया समझ? खुशबू घटाओ और आंसर बताओ सबको, सही आ गया है? 59 सही है। एक बार मिला लीजिए आंसर, क्या घटाया भैया हमने? नहीं इतना ही आ रहा।